सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC JEE रिजल्ट कब तक जारी होगी, केस रिव्यू में क्या हुआ, शांति तत्वा के लिए पोर्टल कब खुलेगी, BTSC मनमानी कर रही है क्या। दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों आप लोग के द्वारा जितना प्रश्न किया गया है सारे प्रश्न स्क्रीन पर ही लिख दिए हैं। चलिए एक एक प्रश्न के जवाब हम आपको दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, देख लीजिए, रिजल्ट कब तक जारी होगी, रिजल्ट कब तक जारी होगी। तो दोस्तों आपको ही पता होना चाहिए, यानी आज से लेके 25 नंबर तक आपको अभी सभी को दिव्यांगता जांच के लिए आपको ही पता होना चाहिए, सभी को नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस पूरा क्लियर होगी, फिर से काउंसलिंग करवाया जा रहा है, ठीक है, जो कि आप देखे हैं, समझे, आप देखे हैं जो फिर से दिव्यांगता जांच के लिए, वह सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल, तीनों ग्रेड के स्टूडेंट को बुलाया गया है और तीनों स्टूडेंट को जो है फिर से सभी को दिव्यांगता जांच किया जा रहा है। इससे पहले अक्टूबर में भी किया गया था, फिर से नवंबर में, मतलब आज से शुरू हुई है और 25 नवंबर तक ये दिव्यांगता जांच चलेगी, ठीक है। उसके बाद हम आपको पहले ही बताए थे आपका रिजल्ट दिसंबर में आएगी, आपका रिजल्ट कब आएगी, दिसंबर में आपका रिजल्ट आएगी, वो भी हम आपको बताने वाले हैं दिसंबर में रिजल्ट कब आएगी। आगे है दूसरा प्रश्न है, केस रिव्यू में क्या हुआ। तो दोस्तों इस पर ऑलरेडी हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, केस रिव्यू में क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं होने जा रही है, कुछ नहीं होने जा रही है, ठीक है। आप लोग खाम का टेंशन लेते हैं, जो केस रिव्यू में ये हो गया रिजल्ट रुक जाएगा, केस रिव्यू क्लियर होगा तब रिजल्ट जारी होगी, ऐसा कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। केस रिव्यू में कुछ नहीं होगी क्योंकि इस पर ऑलरेडी हम डिटेल्स में आपको वीडियो बना दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर हम वीडियो अपलोड किए, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अगला आया है, शांति तत्वा के लिए पोर्टल कब तक खुलेगी। तो दोस्तों शांति तत्वा के लिए 25 नवंबर के बाद यानी पोर्टल आपको खुल जाएगी, क्योंकि 25 नवंबर तक इन्हीं लोग को जो है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए अभी आपको भी पता होना चाहिए सबका दिव्यांग जांच हो रही है, जो कि ये 18 नवंबर से आज से स्टार्ट हुई और 25 नवंबर तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद ही, मतलब 25 के बाद ही आपको पोर्टल खुलेगी जिसमें शांति और तत्वा जाती है, आपको भी पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इन लोग के जो है आरक्षण को रद्द कर दिया, इन लोगों को पहले SC कैटेगरी में रखा गया था, अब इन लोग को EBC कर दिया है, तो इसी के लिए पोर्टल खुलेगी, ऐसा नहीं पोर्टल नहीं खुलेगी, यानी एक सप्ताह के लिए पोर्टल खुलेगी, तो ये 25 के बाद ही आपको पोर्टल खुलेगी, ठीक है। 27-28 के बाद आपको ऑलरेडी पोर्टल खुल जाएगी, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर आप सेट कर लीजिए, ऐसा ही अपडेट पाने के लिए, और भी हम आपको अपडेट देने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत सारे लोग अभी सोशल मीडिया पर बच्चों को बलगला रहे हैं, बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो BTSC मनमानी कर रही है क्या। देखिए BTSC कोई मनमानी नहीं कर रही है, BTSC जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है 3 महीना के अंदर आपको रिजल्ट जारी करने के लिए, BTSC वही आदेश को पालन कर रहे हैं, समझे। बहुत सारे लोग अभी वीडियो बना के बच्चों को बलगला रहे हैं, जो BTSC अपना मनमानी कर रहा है, BTSC अपने ढंग से काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बार बार हम आपको कह रहे हैं BTSC को लगा नहीं दिव्यांगता जांच में, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट फर्जी डिग्री बना लिए, इसलिए दोबारा इन लोग को फिर से दिव्यांगता जांच किया जा रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझे कि नहीं, क्योंकि इससे पहले अक्टूबर में करवा चुका, आपको ये पता होना चाहिए। 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट आपको फाइनल जजमेंट दिया, कब, 4 अक्टूबर को दिया। तो देखिए 4 नवंबर आपको 1 महीना हो गया, 4 दिसंबर आपको 2 महीना हो जाएगा और 4 जनवरी 3 महीना हो जाएगा। वैसे भी हम आपको बताए हैं जो जनवरी तक हर हाल में आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, दिसंबर में ही आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा, मेधा सूची आपको दिसंबर में हर हाल में जारी कर दिया जाएगा, मतलब दिसंबर के आपको 2nd सप्ताह के बाद कभी भी मेधा सूची जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको लगता है नहीं, क्योंकि 1 सप्ताह के लिए पोर्टल खुलेगी, सिर्फ 1 सप्ताह के लिए ही पोर्टल खुलेगी, वो भी 1 सप्ताह बहुत हो गया, मुश्किल से 3 से 4 दिन के लिए पोर्टल खुलेगी, जिसमें शांति और तत्वा जाति के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, समझे।
तो आयोग अपना काम कर रहा है, समझे कि नहीं। आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, नहीं आपको परेशान होना है। लोग आपको सोशल मीडिया पर गलत न्यूज दे के आपको बलगलाएगा। दूसरी बात है, एक वीडियो हम अपलोड किए थे तो बच्चे के द्वारा बार बार कमेंट किया जा रहा था, सर आप भी बदल गए। तो वह वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं किस टाइप को हम वीडियो अपलोड किए थे। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। पप्पू भाई एक बार जो बोल देते हैं वही करते हैं, समझे। सच के हमेशा पप्पू भाई साथ देते हैं। आज से दो दिन पहले एक वीडियो हम अपलोड किए थे, आप लोग देखे होंगे, अभी बता देते हैं, ठीक है। एक वीडियो हम अपलोड किए थे, वह वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो अपलोड किए थे जो कि 1300 लोग दिखाए दो दिन पहले। ये वीडियो इसलिए हम आपको अपलोड किए थे ताकि ये जो है 2000 आप देख लीजिए यहाँ पे, पटना हाई कोर्ट 16 फरवरी 2023 को बीटीसी जेई विज्ञापन रद्द कर दिया था, इसलिए ये वीडियो हम आपको अपलोड किए थे, दिखाए थे जो लोग देखिए, ठीक है। यही विज्ञापन को पटना हाई कोर्ट रद्द कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट इसको देखिए फाइनल जजमेंट दिया। इसे यही दिखाने के लिए, याद करने के लिए हम आपको ये वीडियो अपलोड किए। ये नहीं जो पप्पू भाई बदल गए हैं, पप्पू भाई हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है, समझे कि नहीं। हमेशा हम स्टूडेंट के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं और हमेशा स्टूडेंट के साथ रहते हैं। स्टूडेंट के साथ अन्याय होते कभी हम नहीं देख सकते, इसीलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, नहीं आपको परेशान होना है। पप्पू भाई आपके साथ पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो पप्पू भाई बदल गए। ये वीडियो बनाने के मेरा यही रीजन था जो देखिए, ठीक है, 2023 में पटना हाईकोर्ट के द्वारा इस, ठीक है, वैकेंसी को ही रद्द कर दिया गया था, समझे, आप देख लीजिए। तो इसीलिए ये वीडियो हम अपलोड कर दिए थे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो पूरी जानकारी हम आपको बता दिए, रिजल्ट आपको कब तक जारी होगी, दिसंबर के सेकेंड सप्ताह के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकती है। केस रिव्यू में क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, नहीं कुछ होगा, केस रिव्यू में कुछ नहीं होगा। बोले जनवरी में आप लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगी, तो 100% जनवरी में नियुक्ति पत्र मिलेगी। शांति तत्वा के लिए पोर्टल कब खुलेगी, तो 27-28 नवंबर के बाद पोर्टल खुल जाएगी, ठीक है। बीटीसी मनमानी कर रही है क्या, कोई बीटीसी मनमानी नहीं कर रही है। बीटीसी जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है उसी के पालन कर रहा है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। सही चैनल के साथ जुड़ेंगे तो सही न्यूज मिलेगी, गलत चैनल के साथ जुड़िएगा तो गलत न्यूज ही मिलेगी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। इसलिए बीटीसी जेई वाले जो भी स्टूडेंट है, प्लीज पीएसटी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर आप सेट कर लीजिए ताकि सही और ऑथेंटिक आपको न्यूज मिलता रहे। और जितना हो सके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच ताकि सही न्यूज आपको मिले, क्योंकि लोगों को गुमराह करने के लिए लोग, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना, ठीक है। और आपको फिर से कह रहे हैं, कहीं आपको फंडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं चंदा चोर से आपको सावधान रहना है। कोई कुछ नहीं करने जा रहे हैं और नहीं कुछ होने वाला है। केस रिव्यू में कुछ नहीं होगी, हम आपको डिटेल्स वीडियो बना दिए, आप नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको बता दिए, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कॉमेंट के माध्यम से बताएंगे, फिर से नए वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, जैसे ही वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।